अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी जो है हमारी स्किन केयर के हवाले से। मैंने ना ये ली थी विटामिन ई क्रीम, नज़र आ रही होगी आपको, ये मैंने बॉडी शॉप से ली थी यहाँ सऊदीया में। ये आपको इसका नज़र आ रहा होगा बॉडी शॉप लिखा हुआ। और साथ मैंने ये लिया था टी ट्री ऑयल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है और साथ साथ वैसे भी मेरी स्किन थोड़ी थी इस टाइप की कि मुझे थोड़ा सा ऑयली स्किन, मतलब मेरी स्किन पे ना थोड़ी सी एक्नी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मुझे मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हम विटामिन ई क्रीम की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जब मैं थी तो हमेशा से मेरी स्किन ऑयली रहती थी, कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऑयली कोई चीज़ यूज़ नहीं की थी, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी ऑयली चीज़ की ना। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मेरी स्किन इस कदर ड्राई हो गई कि ऐसे पैचेस पड़ने लग गए ना, और मतलब जैसे इवन के ब्लड निकलने वाली कंडीशन हो गई, इस कदर मेरी स्किन जो है वो फटने लग गई। तो फिर मैंने ये बॉडी शॉप से ली विटामिन ई क्रीम, मैंने ये यूज़ की है, ये बहुत अच्छी मुझे लगी, इस वजह से मैंने इसके बारे में रिव्यू देने लगी हूँ, मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि आप भी ये यूज़ करें, वो लोग ख़ास तौर पे जिनकी स्किन ड्राई है। लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ऑल स्किन टाइप है ये, तो ऑल स्किन के लिए तो ये है ही, लेकिन मतलब ड्राई स्किन के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत अच्छी है, बट हर स्किन के लिए ये बहुत अच्छी है। तो ये मैंने पर्सनली यूज़ की है, इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपसे हर वो चीज़ शेयर करूँगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो देखें इसको, मैंने देखें इतनी ये अच्छी, वरना आमतौर पे मतलब मैं जो ऑयली जो मतलब क्या कहते हैं इनको, कोल्ड जो चीज़ें ना, उनसे बहुत दूर भागती थी, क्योंकि वो इस तरह अब्सॉल्व नहीं होती और ऊपर ही ऊपर मुझे उनसे बहुत उलझन होती। लेकिन देखें, मैं जब मैंने ये ली तो मैंने बड़ी सोच समझ के ली कि यार ये भी ऐसी होगी कि चेहरे पे चिकनाई या मतलब इस तरह ऑयली ऑयली स्किन हो जाएगी, बट ये इतनी अच्छी, इतनी स्मूथ ये स्किन में अब्सॉल्व हो जाती है ना कि बहुत अच्छी। और जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैं बेस फाउंडेशन कुछ भी यूज़ करूँ उससे पहले मैं बहुत कम प्राइमर यूज़ करती हूँ, मैं इसी के ऊपर जो है वो मतलब बेस या फाउंडेशन जो भी मैंने लगाना हो ना, मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ, जिससे मतलब वो इतनी स्मूथ मेरी बेस हो जाती है कि मुझे प्राइमर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखें अभी ना ये इतनी अच्छी अब्सॉल्व हो जाएगी, और अब इसको आप दिन में दो दफ़ा यूज़ करें। और विटामिन ई के तो वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, मतलब ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करती है और साथ मतलब सन से, गर्मी से जो भी स्किन का डैमेज, जो हमारी स्किन डैमेज होती है उसको ये रिकवर करेगी, और या एजिंग जो साइन है उनको ये मतलब कम करती है, ठीक है, और साथ साथ डिहाइड्रेट हमारी स्किन को करेगी, फेस के स्कार्स जो हैं उनको ख़त्म करेगी। तो इसको अप्लाई कैसे करें कि अगर आप ये यूज़ करें, मतलब देखें अब बॉडी शॉप तो हर सिटी में अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं होती, तो कोई भी विटामिन ई की क्रीम, मैंने पाकिस्तान में ओरिफ्लेम की भी यूज़ की थी, और इसी तरह जो मतलब निविया की भी विटामिन ई जो क्रीम है वो बहुत अच्छी थी। तो अब मैं फ़िलहाल बॉडी शॉप की कर रही थी इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। आप बॉडी शॉप को अगर भूल जाएं, आप सिर्फ विटामिन ई पे फोकस करें तो ये भी बहुत अच्छा होगा, और जिनके पास बॉडी शॉप अवेलेबल है वो बॉडी शॉप से इसको परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत अच्छी है, देखें ये बिल्कुल स्किन के अंदर अब्सॉर्व हो गई है, और अगर इसके ऊपर हम मतलब जैसे फेस पे कोई बेस कुछ हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो ऐसे ऐसे हमारी स्किन हो जाती है कि बहुत ही अच्छा, मतलब मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, और मैंने वेट किया है कि मुझे कोई इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले उसके बाद मैं इसका कोई रिव्यू दूँ, ठीक है। तो इसको आप रात को सोते हुए लगा सकते हैं, उसके अलावा दिन में भी किसी टाइम लगा सकते हैं, तो नो इशू, कम अज़ कम दिन में दो दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें, मतलब रात को सोते हुए लगा लें और दिन में किसी टाइम लगा लें, ठीक है। तो ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है, रात को सोने से पहले किसी अच्छे फेस वॉश से आप अपना फेस जो है वो क्लीन करें और फिर इसको
आप लगा के सो जाएं और सारी रात ये आपके फेस पे लगी रहे तो आपका फेस बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी हो जाएगा और इससे शाइन भी बड़ी अच्छी स्किन पे आती है। मेरी तरफ से ये बहुत मतलब अच्छी सजेशन है आपके लिए, विटामिन ई आपके स्किन के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हेयर्स के लिए भी विटामिन ई सजेस्ट किया था। किसी दिन मैं विटामिन ई की आपको फेस के हवाले से भी रेमेडी बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा विटामिन ई अपनी रूटीन में यूज़ करती हूँ। ये तो विटामिन ई के हवाले से क्रीम है और जो मतलब हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें जिसमें विटामिन ई पाया जाता है मैं वो बहुत सारी यूज़ करती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो ये हमारी विटामिन ई क्रीम थी जो मैंने आपसे शेयर की। आप इसको कोई भी विटामिन ई या जिनकी अप्रोच में बॉडी शॉप की विटामिन ई क्रीम हो वो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, परचेज कीजिएगा और इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स उन्हें मिलेंगे, ठीक है। और सेकंडली ये मैंने आपसे शेयर करना था जो मैंने आपको शुरू में बताया, टी ट्री ऑयल। और ये भी मुझे एक्ने का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत से भी थोड़ा ज़्यादा ही कह लें मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है, कुछ स्टमक की वजह से, कुछ वैसे भी थोड़े बहुत मुझे एक्ने का प्रॉब्लम रहता है। कोई ना कोई पिंपल निकला फिर मैं उसको थोड़ा बहुत छेड़ लेती हूँ और वो थोड़ा सा। और देखें इसकी ये, इसकी जो ये जो बोतल है ये कितने ml है जी, ये है 50 ml की है और ये बहुत है। इसकी प्राइस थी शायद 69, मैं शायद भूल गई हूँ, पता नहीं कितनी थी, लेकिन ये मेरी कोई 4-5-6 महीने तो ख़त्म नहीं होती। और इसकी ये बॉटल इतनी खूबसूरत है ना माशाल्लाह से। ये भी बॉडी शॉप से लिया था और ये देखें ये मतलब क्रिस्टल की शीशे की ये बॉटल है और इसका ये जो पाइप सा है इसको क्या कहेंगे, ड्रॉप वाला ये जो है ये बहुत खूबसूरत भी है और बड़ा ये अच्छा है और इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है टी ट्री ऑयल की। और सेकंडली ये जो है मतलब अब स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये ज़रूरी नहीं है, ये भी सेम कि ये आपको बॉडी शॉप से मिलेगा, जो लोग बॉडी शॉप से ले सकते हैं वो बॉडी शॉप से इसको लें, वरना आम तौर पे ये आपको किसी अच्छे पंसार स्टोर से अवेलेबल होगा। सिंपल आप उनसे जाके कहें कि हमें टी ट्री ऑयल चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, किसी भी जो पंसार स्टोर से मिल जाएगा आपको। तो ये आपको मैं गारंटीड कह रही हूँ कि ये एक्नी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ऐसे ग्लास स्किन हो जाती है। जिन लोगों ने मुझे बिफोर इसके यूज़ से देखा है वो लोग और जिन्होंने आफ्टर इसके यूज़ के मुझे देखा है उन्होंने मुझे खुद क्लियर इसका डिफरेंस बताया है कि आपकी स्किन कितनी क्लियर हुई है, कितनी ग्लास स्किन हो जाती है, बहुत नीट क्लीन स्मूथ और क्लियर स्किन हो गई, ऐसे स्किन को नीट कर देता है। और ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए कोई एक्नी कोई ऑयली स्किन हो या कोई हमारी ड्राई स्किन हो, किसी भी स्किन का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऑल स्किन टाइप पे जिस पे एक्नी कोई निशान कोई दाग धब्बा हो आप हर उस स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो विटामिन ई क्रीम वो भी हमारी स्किन में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है और टी ट्री ऑयल, आप इन दोनों को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि मेरी ये सजेशन प्लस आपकी स्किन के हवाले से ये दोनों चीज़ें आपको कैसी लगी, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलें जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अगर अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। अगर आप लोग इस पर इसको ट्राई करें, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।